कमर्शियल वाहनों के अग्रणी निर्माता अशोक लीलैंड ने ऑटो एक्सपो 2023 में अपनी नई इलेक्ट्रिक ट्रक बॉस का खुलासा किया है। बॉस इलेक्ट्रिक ट्रक कंपनी की बॉस इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल का ट्रक मॉडल है। इसे भारत के तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिक वाहन बाजारों में जगह बनाने के लिए लाया गया है। बॉस इलेक्ट्रिक ट्रक का एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटर और एडवांस लिथियम आयन बैटरी तकनीक द्वारा संचालित होती है, जो इसे अधिक रेंज प्रदान करता है। ट्रक को अंतिम मील वितरण और आंतरिक शहर परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। वाहन का उपयोग पार्सल और कुरियर, पोल्ट्री, वाइस गुड्स, एग्री पेरिशेबल गुड्स और अन्य कई कार्यों के लिए किया जाएगा। बॉस के पुराने वर्जन को अक्टूबर 2020 में 18 लाख रुपए की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया था। इसे दो वेरिएंट एली और एलेक्स में पेश किया गया था। इलेक्ट्रिक ट्रक की प्रमुख विशेषताओं में से एक इसकी 7.5 टन की प्रभावशाली पेलोड क्षमता है, जो इसे माल परिवहन, रसद और ई कॉमर्स डिलीवरी सहित कई कार्यों के लिए उपयुक्त बनाती है। यह इलेक्ट्रिक ट्रक एडवांस टेलीमेटिक्स और फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम से भी लैस है, जो वाहन के प्रदर्शन की रियल टाइम ट्रैकिंग की अनुमति देता है और फ्लीट के उपयोग और परिचालन दक्षता को अनुकूलित करने में मदद करता है। बॉस इलेक्ट्रिक ट्रक को कम ड्रैग करने के लिए एरोडायनामिक डिजाइन दिया गया है, ताकि कम बैटरी की खपत में इसे ज्यादा रेंज मिल सके। फिलहाल कंपनी ने इस नई ट्रक की रेंज, बैटरी क्षमता और पावर आउटपुट का खुलासा नहीं किया है। उम्मीद है कि यह ट्रक आने वाले कुछ महीनों में भारतीय सड़कों पर उतारी जाएगी। अशोक लीलैंड लास्ट माइल डिलीवरी और इनर सिटी ट्रांसपोर्टेशन के लिए नए इलेक्ट्रिक वाहनों को तैयार करने की योजना बना रही है। आने वाले समय में कंपनी कमर्शियल सेगमेंट्स में कुछ नए ई वाहनों का खुलासा कर सकती है।